गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर आर टीचर शिवम प्रजापति। टुडे आई विल प्रिपेयर द पिक्चर वाई पेंसिल शेडिंग ऑफ स्टिल लाइफ। इसमें हम आपको बताएंगे पेंसिल शेडिंग। हमें इस पिक्चर में सामने रखे हुए ग्लास, जग, शेव, बाउल, हमें इसकी शेडिंग दिखानी है, जिसका शेडो है आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, इसका शेडो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह से हमको भी इसको प्रिपेयर करना है शेडो के साथ में। तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं HB पेंसिल भी। फ़िलहाल मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल बार बार शॉर्प नहीं करनी पड़ती है। तो हम आज आपको बताएंगे इसमें किस तरह से शेडिंग होगी। सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे, अगर ये कंप्लीट नहीं है तो। पहले जहाँ लाइट एरियाज हैं उसको कर लेंगे। ये क्लास 8th की आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक है। ध्यान रखें कि हमें पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हमको बहुत ही इजीली इसमें शेडिंग करनी है। क्योंकि पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर देने पे अगर रॉन्ग शेडिंग होती है तो इरेज नहीं हो पाएगी। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए इजीली इसको करना है। उनको बहुत ही इजीली करना है। याद रखें कि शेडिंग स्टार्ट करें इसके हैंडल में शेडिंग। इसमें मैंने अपर साइड से शेडिंग करना स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर नीचे से इसको शेडिंग करना स्टार्ट करते तो इसमें हम जब हाथ रख के इसके ऊपर शेडिंग करते तो इससे क्या होता है, हमारा पेपर जो है ना गंदा होता। तो स्टार्टिंग हम अपर साइड से कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से स्टार्टिंग करते नीचे तक आएंगे तो किसी भी पेंसिल शेडिंग के ऊपर हमारा हाथ नहीं जाएगा, ना ही पेपर गंदा होगा हमारा। तो कोशिश ये करें कि हम ऊपर साइड से ही स्टार्ट करें शेडिंग करना।
हमें सिर्फ इसका शेडो दिखाना है, ना कि इसको फुल शेडिंग करनी है। इसमें हमको फुल शेडिंग नहीं करनी, सिर्फ शेडो दिखाना है। याद रखें कि पेंसिल को हमें इस तरह से नहीं पकड़ना है, पेंसिल को हम इस तरह से पकड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से पेंसिल पकड़ने से हमको लाइन सी सी दिखेंगी और पेंसिल कहीं कम कहीं ज़्यादा चलेगी, डार्क कहीं लाइट होगी तो कहीं डार्क होगी। तो हमको पेंसिल इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से हम पेंसिल को पकड़ेंगे। हम इस बाउल में सेटिंग करेंगे। बाउल में हमको ये यहाँ पे डबल लाइन दिख रही है, डबल लाइन से, तो हम भी यहाँ पे इसको डबल लाइन कर देंगे। मैंने जैसा कि पहले भी बोला है कि हमको ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, हमको बहुत ईजिली इसमें सेटिंग करनी है। अब हम इस पोर्टल में सेटिंग कर लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आप भी काफ़ी अच्छे से इसको ड्रॉ करना।
सेपल में कर लेंगे, एप्पल में शेडिंग। आपको ध्यान रखना है इस पिक्चर में सिर्फ वन साइड ही शेडिंग हुई है, वन साइड इस तरह से, इसमें कहीं क्रॉस हैचिंग नहीं हुई और ना ही कहीं इस साइड से और ना इस साइड से आपको शेडिंग नहीं करनी है, आपको वन साइड ही शेडिंग करनी है इसमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें शेडिंग जो है ना वन साइड की करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरह से भी शेडिंग कर देते हैं, क्रॉस हैचिंग कर देते हैं, तो क्रॉस हैचिंग हमको नहीं करनी है, हमको वन साइड ही शेडिंग करनी है। अब इसमें जो मेन वर्क है वो है आपका इसका शेडो, जिसे हम बोलते हैं परछाई। हमें इसकी परछाई बनानी है, तो परछाई आपको दिख रहा होगा, परछाई हमारी बहुत ही डार्क बनेगी। तो अब हमें पेंसिल पे हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं, लाइटली प्रेशर। होटल का साइड हो हमें एप्पल का शेडो तैयार करना है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि डार्क एरिया जो हैं उस पर हम रिपीट शेडिंग करेंगे, जितने भी डार्क एरियाज थे।
जितना डार्क एरियाज दिख रहा है हमको उतना ही डार्क एरियाज करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। डार्क एरिया हमने अब कंप्लीट इसके कर लिए हैं, अब ये हमारी पिक्चर बनके कंप्लीट है। अब जो इसकी आउटलाइन जिस जगह पे डार्क दिखाई जा रही है, हमको आउटलाइन ही सिर्फ डार्क करनी है। हमारी पिक्चर बनके अब कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने देखा किस तरह से ये शेडिंग हुआ, इसी तरह से आपको भी शेडिंग करनी है। पेज नंबर 15, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्लास 8।